मैं ऐसी कला बनाता हूँ जो ओपोनेंट्स के बस की बात नहीं, और जब तक वो डरते रहेंगे मैं दुनिया जीतता रहूँगा। अमीर रैपर बहुत बढ़िया और प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ गरीब के पास सिर्फ एडजस्ट करने के लिए जो भी साउंड प्रूफिंग चीजें हैं, वो उन्हें इस्तेमाल करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। मेरी अंडे की ट्रेस कहाँ है? रे, मेरी काम की चीजों को छूने की तुमने हिम्मत कैसे की? ओह सी, इसी की कमी थी। अब चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी। ब्रो ध्यान दो, तुम्हारा नया ओपोनेंट आ गया। तुम सोच रहे होगे कि मैं कैसे संभाल रहा हूँ। मैं तुम्हें मौका दूंगा मुझसे मिलने का। मैं तुम्हें बुला रही हूँ और तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। मुझे लड़कियाँ पसंद करती हैं और मुझे इनके आसपास रहना अच्छा लगता है। जेकब को याद नहीं दिलाना पड़ता, ये स्टाइल की बातें करता है और इससे पैसे मैग्नेट की तरह चिपक जाते हैं। मैं आगे बढ़ चुका हूँ और जो भी बनना चाहते हैं उनके लिए मेरी राय है, आगे बढ़ो क्योंकि मैं तो शानदार हूँ। अब मैं नौसिखियों को बताता हूँ असली बास्केटबॉल क्या होती है। अगर हार जाओ तो रोना मत। लगता है पहले राउंड में गरीब रेड जीत रहा है। मैं बहुत आराम से खेल रहा था, इसे बस वार्म अप समझो। हे, दूसरे राउंड में जेकब इस बार भी बदकिस्मत रहा। हे, देखो आसमान में सुनहरा प्लेन है। कहाँ? मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मैं फिर से उसके झांसे में आ गया। अब मेरे रूल से खेला जाएगा। तुम इसे पकड़ नहीं पा रहे, ये सही नहीं है। यहाँ तो सिर्फ हम दोनों खेलने वाले थे। ओ अच्छा, मैं इस कोर्ट का राजा हूँ। अच्छा था मिस्टर जेकब, किसी का फोन आ रहा है। हेलो स्वीट हार्ट, तुम मेरे साथ अभी बाहर जाना चाहती हो? मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ। पीट, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरा क्या होगा? बचाओ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लगता है आज तुम्हारा दिन नहीं है। मेरे कार्ड में इतने पैसे हैं कि मैं गिनती भूल गया। मैं यॉट्स और प्लेन खरीद सकता हूँ, बहुत ही हीरे और चेन्स भी। यो, तुमने ये आवाज सुनी? ये मेरे सारे फैंस की आवाज़ है। हम तुमसे प्यार करते हैं बिग जेकब। क्या ये लोग भी फैंस हैं जो अपने पसंदीदा रैपर के कॉन्सर्ट के टिकट लेने के लिए खड़े हुए हैं? नहीं, ये भीड़ बस पॉपकॉर्न लेने के लिए खड़ी है। लगता है गन में कैश खत्म हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग मजे करते रहने के लिए तैयार हो? जेकब के फैंस को उसके संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहानी एक लड़के की है, एक सीधा साधा सेल्समैन जोड़ना चाहता है जिसकी किस्मत में महान बनना लिखा है। इस बहादुर लड़के को सपोर्ट करो, इसे सब कुछ मिलने वाला है। देखो कितना सोना है। ओह हाँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। तुम भी कूल बनना चाहते हो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। कामयाब बनना चाहते हो और अपने सपने पूरे करना चाहते हो तो फिर आलसपन को दूर करो, इन बीट्स को याद रखना। मॉम, क्या आप मुझे नए कपड़े खरीदने के लिए थोड़े पैसे दे सकती हैं? तुम्हें पता है ना, पहले ही हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर तुम्हें कुछ और नया पहनना है तो जाकर अपने भाई की अलमारी से ले लो। हालांकि मेरे भाई का साइज थोड़ा बड़ा है, तब भी मुझे उससे कुछ ढंग के कपड़े मिल सकते हैं। ऐसी जीन्स बहुत खास होती हैं। मॉम देखो मुझे क्या मिला। अब क्या है, कम से कम बेल्ट तो पहनो। ये लो अपनी जीन्स इससे बांधो। फैशन बहुत मुश्किल चीज है। गुड इवनिंग मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं फिर आ गई, शानदार अबी रॉस, और आज हम मशहूर रैप लेजेंड बिग जेकब का इंटरव्यू ले रहे हैं। आपकी जीन्स की क्या कीमत है? $30,000 की है। आपने सुना, आपने कैप कितने की खरीदी? इसमें हीरे जड़े हुए हैं और ये मुझे $50,000 में मिली है। ऑपरेटर, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ और बता सकते हैं? मुझे फैशन और लिरिक्स लिखना पसंद है और मुझे बास्केटबॉल भी अच्छे से आती है। क्या ये लोग मेरी पैंट्स भी ले गए? मैं लाइव हूँ। हेलो सबको, मैं बिग जेकब हूँ और आज आप मेरा सुपर रैप सुनेंगे। और आपको समझाने के लिए कि मैं कितनी तेज पढ़ सकता हूँ, यहाँ स्टॉप वॉच लगा देता हूँ। आज जहाँ भी मैं हूँ अपने दम पर हूँ, और अपने दुश्मनों के बावजूद मैं कवच पहन रहा हूँ। ये बुराई नहीं छोड़ेंगे और मैं कहीं दूर हंसता रहूंगा। इनकी सारी कोशिश नाकाम है, सिर्फ मुझे ही मुनाफा होगा। ओह नहीं, आप लाइव हो, क्या मुसीबत है, मैं भूल ही गया। ओह, वो फोनोग्राम से बोल रहा है, वो झूठा है। तो ये चाहते हैं कि मैं मुंह में नट रख कर पढ़ूं? ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे बास्केटबॉल खेलना पसंद है, मैं आग के गोले की तरह फेंकता हूँ। आखिरकार मेरा हॉट डॉग तैयार है। मैंने आधे दिन से कुछ नहीं खाया, लेकिन आपको इस तरह की एक्सरसाइज के साथ सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आप गलती से अपनी मॉम को नाराज कर सकते हैं।
मेरे कीमती हॉट डॉग को खराब करने की हिम्मत किसने की? उफ, काश उन्हें पता न चले कि ये मेरी हरकत थी। रे, मुझे अभी किचन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। मैं अपनी प्रैक्टिस करता रहूंगा। कामयाबी लौट रही है। इतनी प्रैक्टिस के बाद रे अच्छे से बोल पाएगा। पैसा मेरे लिए दिक्कत नहीं है, मैं अमीर रैपर जेकब हूँ। आपने मेरी एल्बम के बारे में नहीं सुना? डाउनलोड और चेक करें इस धमाके को। मैं लेसन से थक चुका हूँ, मुझे बस वीकेंड्स का इंतजार है। ये नया दिन है और मैं फिर से छाया हुआ हूँ। ये तो बिग जेकब है। जेकब, हमें ऑटोग्राफ दो। पी, मुझे बचाओ। और रे, जो गलती से जेकब के लॉकर में घुस गया था, लगता है जैसे इसे किसी पर्सनल स्टाइलिस्ट ने स्टाइल किया है। ऑटोग्राफ का क्या हुआ? मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ जैसे मेरे पास बहुत फालतू पैसे हैं? ये तो रे है, उभरता हुआ रैप स्टार, और मुझे ये अच्छा लगने लगा है। ये मेरी नई एल्बम का कवर बनेगा। आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ तुम इस दीवार पर मास्टरपीस बनाओ। मैं समझ गया सर। ठीक है, तब तक मैं ट्रैक मिस कर लेता हूँ। जोश ब्लेक शहर का सबसे मशहूर आर्टिस्ट है और जेकब के पास इसे हायर करने के लिए काफी पैसे हैं। मैं फिर से अपने मूड में हूँ, मैं फ्लो बना रहा हूँ। मैंने ऐसा मास्टरपीस नहीं कहा था। पेंटिंग ऐसे होनी चाहिए जो मेरा स्टाइल बताए और मेरी अमीरी दिखाए। मैं माफी चाहता हूँ, अब मैं बिल्कुल समझ गया। मैं ठीक करता हूँ, उम्मीद तो यही है। मैं फ्लो बना रहा हूँ और चमकने के लिए तैयार हूँ। ओह, मुझे ये चाहिए था। असली आर्ट का काम, इतनी हाई स्टैंडर्ड का काम करके मुझे काफी खुशी हुई। ओह, सही कहा, ये काफी है। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। अब मेरा स्टूडियो लूप से भी ज्यादा बेहतर है। सभी म्यूजियम्स में ऐसी लाजवाब पेंटिंग्स नहीं होती। दूसरी तरफ रे ने अपने खुद के हाथों से आर्ट बनाने का सोचा। मुझे अपने चश्मे पर यकीन नहीं हो रहा। रे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्कूल के सामान से छेड़छाड़ करने की? ये क्या है? ये क्लास का स्केड्यूल है। सच में, मुझे माफ करना, मैंने ज्यादा ही बोल दिया। तुमने अच्छा काम किया, फिह, बच गया। जेकब ने ठान लिया है कि वो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की एबी को इम्प्रेस करके रहेगा, लेकिन कितनी शर्म की बात है, वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रही। हे ब्रो, अपनी चेन मुझे दो। ये लो, ये मुझे कंगाल दिखाना चाहता है। जितना मैंने सोचा था पुशअप्स करना उससे ज्यादा मुश्किल है। ओह, शुक्रिया पीट, मैं हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ मिस्टर जेकब। एबी, क्या तुम्हें ताकतवर लड़के पसंद है? तुम्हें वो यहाँ कहाँ देख रहे हैं? मेरे स्टाइल के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? ये टैटू शहर के सबसे अच्छे आर्टिस्ट ने बनाए हैं। तुम्हारे गले में ओरिगामी क्या कर रहे हैं? तुम सच में जोकर हो। ये मेरी होममेड चेन है। तुम इतने पैडल नहीं मारने चाहिए, नहीं तो तुम्हें पसीना आ जाएगा। सच में बहुत गर्मी है। अरे नहीं, तुम्हारे वहाँ टैटू आर्टिस्ट ने मार्कर का इस्तेमाल क्यों किया? ये सब मिट गया, कितनी शर्म की बात है। और मैं थोड़ा थक गया हूँ। सर, ये लड़के कितने मजाकिया है। आप लोग चाहते हैं कि मैं 40 सेंट्स के साथ गाना रिकॉर्ड करूं? ये बढ़िया सलाह है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये बहुत सादे है, कोई और लाओ। हाँ हाँ, हम रात 8 बजे मिलते हैं। और ये मैंने 2 हफ्ते पहले खरीदे थे, ये अब फैशन से बाहर हो गए हैं। मुझे माफ करना। ओह हाँ, हम अपनी रिकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहे थे। सोने और हीरे वाले स्नीकर्स को जेकब कभी मना नहीं कर सकता। मुझे पसंद है, मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगा। अब मुझे पता है कि आज शाम की मीटिंग पर कौन से जूते पहनकर जाना है। वहाँ सब लोग जलन से मर जाएंगे। उप्स, दादी माँ, आप सो गए? हे दादी माँ। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए बेटे? आपने मुझसे पूछा था कि तुम क्या पहनना चाहते हो। खैर, मैं बढ़िया स्नीकर्स पहनना चाहता हूँ, मुझे उन्हें पाकर बहुत खुशी होगी। क्या आप कुछ कर सकते हैं? मैं रे को फैशनेबल बनाने की कोशिश करूंगी। बढ़िया, दादी माँ, स्नीकर्स कहाँ है? ये लो हनी, ये तुम्हारे लिए, पहन कर देखो। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए थे, मैं इनमें स्टाइलिश कैसे दिख सकता हूँ? ये आसानी से ब्रांडेड बन सकती है। खैर, शुक्रिया, कुछ भी चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हारे लिए और बना दूंगी। आप किसके रैप एल्बम सुनना चाहेंगे, अमीर जेकब या गरीब रे की? आपका जवाब इस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में बताएं। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों।